स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टूडेंट वी नो दैट ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, बट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. यहाँ थ्री केस मिलता है. कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक ही वैल्यू होगी एक्स और वाई की जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी. कभी कभी कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे मिलते हैं जिनका इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस मिल जाते हैं. एक्स की कई वैल्यूज़ मिलती हैं, वाई की भी कई वैल्यूज़ मिलती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं. और कभी कभी हमें ऐसे लीनियर पेयर्स इक्वेशन के मिलते हैं जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता. पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर डिस्कस करेंगे. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो. ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. If we draw the graph of given line first and second, अगर इन दोनों equations का हम लोग graph draw करें तो हम लोगों को पता है कि किसी भी linear equation का graph जो होता है वो straight line होता है. तो equation first का भी graph हमें straight line मिलेगा, equation second का graph भी हमें straight line मिलेगा. But इन दोनों के graph के बीच में फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन. अब क्या क्या होगा इसमें, तो इसे जानने के लिए देखें. फर्स्ट, सबसे पहला क्या हो सकता है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. यानी इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ से जो हमें लाइन मिलेगी वो लाइन ग्राफ पेपर पर फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे. अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका जो होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू होती है और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होती है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. और इस केस में इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हमें मिलता है और लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. सेकेंड केस जो बनता है वो है द टू लाइन्स आर पैरेलल. दैट मीन्स दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो हमें मिलेंगे वो इस तरह से पैरेलल लाइन मिलेंगे. पैरेलल लाइन जब मिलेंगे तो नो सोल्यूशन का केस होगा, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहे हैं. और जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. तो इस केस में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. थर्ड केस जो होता है, द टू लाइन्स विल बी कॉन्सिडेंट. दैट मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाती हैं. यहाँ देखिए, हमने एक लाइन बनाया है जिसमें एक लाइन यहाँ तक बनाया है. ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है और ये बड़ी लाइन जो है वो सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं. इस केस में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें मोर इंटरसेक्शन पॉइंट हैं दोनों लाइनों के बीच में. सभी पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं. तो इस समय इनका ग्राफ जो मिलता है हमें वो कॉन्सिडेंट लाइन मिलता है. और इस स्थिति में सोल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो जो है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलता है. थैंक यू.